10,000 प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा। नागरिक संशोधन बिल के विरोध में जुम्मे की नमाज के बाद सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुरादाबाद के 4 थानों में 10,000 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने के मुकदमे दर्ज किए गए। सर, जो प्रदर्शन हुआ था शुक्रवार के दिन, उस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, कितने लोगों पर कहां था? पहले तो मैं मुरादाबाद की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया, कहीं पर भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। इसके बाद शुक्रवार के दिन बहुत जगह जुलूस निकले थे, क्योंकि धारा 144 लागू थी, तो धारा 144 के उल्लंघन में 4 थानों में सिविल लाइन मझौला खड़गा और गलशहीद में मुकदमे दर्ज किए गए अज्ञात लोगों के। कितने लोग हुए इन 4 थानों में? कुल मिला के लगभग 10,000 के ऊपर लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमे दर्ज किए गए। क्या आरोप है सर इन पे? धारा 144 उल्लंघन करने के विरोध में मुकदमा दर्ज किया। क्या कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं, इसमें अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। देखा जाएगा, अगर किसी कोई उपद्रव करता हुआ अगर दिखता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जितने भी शांतिप्रिय लोग हैं उनके ध्यान रखा जाएगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अभी तक पूर्ण रूप से शांति बनी हुई है हमारे मुरादाबाद शहर में, ऐसा अभी तक कोई भी इंसिडेंट नहीं आया जिसके लिए पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत पड़े। समय समय पर अगर कोई उपद्रवी या माहौल बिगाड़ने के लिए कोई काम करता है या बात करता है तो उसके खिलाफ पूरा मुरादाबाद पुलिस कार्रवाई करती है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बारे में अच्छे से पढ़े, उसमें जो भी भ्रामक सूचनाएँ फैला रहे हैं उसको जांच ले, उसके बाद कोई कार्रवाई करें। और जो NRC को लेके विरोध है, NRC अभी आया नहीं है, उसमें क्या क्या सेक्शंस होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में लेके लोगों को बहुत भ्रम है। कई लोगों को भ्रम है कि उन्हें 1971 से डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी तक NRC का कोई बिल नहीं आया है, तो इस तरह की बातें करना बेबुनियाद होंगी। जो भी 1971 की बात आ रही है, वो जो NRC असम में हुआ है उसके कन्फ्यूजन की वजह से आ रही है। असम एकॉर्ड साइन हुआ था 1971 में, जिसकी वजह से वहाँ पे NRC लागू हुआ था। अभी तक भारत के दूसरे प्रदेशों में NRC के लिए कोई बिल नहीं आया है, तो उसके ऊपर कोई भी बात करना एक अफवाह से बराबर। सर, ये 10,000 लोगों पे जो मुकदमा किया गया है, इन्हें कैसे चिन्हित किया जाएगा? ये वीडियो फोटोज ली गई हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा, अगर उसमें दिखता है कि कोई उपद्रव कर रहा है तो उसकी खिलाफ।